ओके तो भाई सब लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। बच्चा आज की जो क्लास है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछे रहे थे, इसके अलावा कह सकते हो जब भी कभी रेलवे का पेपर होता है ना बच्चा, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन 101% आते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। आप इसको केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, है ना। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और मैं आपको बता दूं आज मैं इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, यानी आज इसका डेमो 01 है। तो आप सब लोग इसको कंप्लीट देखिए, मैं इसको दो पार्टों में खत्म करूंगा। मतलब आज मैं आपको कंप्लीट इसकी थ्योरी सॉल्व कराऊंगा, और जब कल आप आओगे ना तो कल मैं इसके जितने भी हमारे अभी तक रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक रेलवे की सभी परीक्षाओं में, सभी का मतलब चाहे वो आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, सभी परीक्षाओं में कल मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको ये लगे तो कि आज मैंने जो थ्योरी पढ़ाई कल उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे या फिर नहीं। ओके तो चलिए फिर जल्दी से सब लोग पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज सर जी, जो किताब बुक हो गया वो घर आएगा या ई बुक है? बच्चा घर आएगा, किताब ई बुक नहीं है। किताब इस तरीके से रहेगी आपको घर आएगा, वो ई बुक नहीं है बच्चा। ई बुक होता तो हम आपसे पेमेंट क्यों लेते, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया देता हूँ। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, उसके अलावा बैलेंसिंग समझेंगे कैसे किया जाता है, भौतिक रिएक्शन, फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। ये सारी की सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बताएंगे, उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, उसके अलावा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन और क्षेपण अभिक्रिया कितनी बार पूछी गई है इस बार ग्रुप डी में। तो पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो आज हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। ओके तो सब लोग जल्दी से फटाफट एक बार लाइव आइए, नोट्स बना लीजिए। आज आपने देखा ना, आज मैं पूरा नोट्स बना दूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको भी डर लगता है रासायनिक अभिक्रिया से, बस आज लगभग 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। आज मेरे साथ आप इस क्लास को पूरा ज्वाइन कर लीजिए, ये डर आपके अंदर खत्म हो जाए तब कहिएगा। चलिए तो जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सरस्वती मैया की जय, स्टार्ट करते कि ये सारा चैप्टर आपका स्टार्ट तैयार हो जाए। उससे पहले आप एएलपी फाउंडेशन एएलपी टेक्नीशियन 2023 के लिए इस फाउंडेशन बैच को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से थ्योरी पढ़ाता हूं जैसे अभी पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो आप इसको एज अ डेमो करिए, और ये कंप्लीट बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। माई पाठशाला प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी प्रोसीजर भी बता दूंगा ज्वाइन करने का, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो 9696102411 6393125760 आप इन नंबरों पे फोन भी कर सकते हैं। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्ची आज की पहली हेडिंग। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो आप सब लोग अपनी टॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे बोला जाता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, क्या है डेफिनेशन, तो आपको यह कहना है बच्चा कि जब भी कभी दो कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं ना, तो एक तीसरा कंपाउंड बना देते हैं जिनके गुण, जिनके रासायनिक गुण आपस में डिफरेंट होते हैं। एक या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बना देते हैं जिनके रासायनिक गुण अलग अलग भी हो सकते हैं। सर उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा मैं पूरी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर देना, स्क्रीन शॉट ले लेना। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ भी हो सकता है, कई बार कोई भी एक पदार्थ अन्य पदार्थ में टूट जाता है तब भी ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एक पदार्थ
भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है और एक से अधिक पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं और भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। तो याद रखना उसे क्या बोला जाता है सर, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल नंबर वन लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बताइए किसका निर्माण करते हैं, पानी का। सर ये दोनों अलग अलग गुण वाले हैं और अलग अलग गुण वाला पदार्थ भी बना रहे हैं। देखो ये दोनों के दोनों देखो डैश है, दोनों के दोनों डैश है और यहां क्या बना रहे हैं सर, यहां बना रहे हैं लिक्विड। अरे है ना रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरीके से देखो दूसरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं सर, अमोनिया का निर्माण करते हैं, 2NH3 का निर्माण करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई भी रिएक्शन आपके सामने दिखाई दे उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और भी एग्जांपल हो सकता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यह टूट जाता है और उनमें से एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड बनता है CO2 गैस। सर ये सब के सब बताइए क्या है सर, ये सब के सब जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल है। क्लियर है ना। एक मुद्दे की मैं बात बता दूं, उसे भी आप समझेंगे कॉपी में। अगर ए और बी आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ ए बी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो याद रखना ये जो ए और बी होते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं सर उन्हें क्या बोलते हैं सर, उन्हें बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स, इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बाद में बनते हैं बताइए उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बताइए। ओके अब बात करते हैं हम लोग आगे। सर बात करते हैं हम लोग आगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम पर कार्य करती है उस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब लेफ्ट साइड का टोटल द्रव्यमान और राइट साइड का टोटल द्रव्यमान हमेशा जो है ध्यान रखना बराबर होना चाहिए। और द्रव्यमान तभी बराबर होगा जब लेफ्ट और राइट साइड हमारे अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम पर काम करती है बच्चा उस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह भी आपको टॉपिक। रोहित यादव जी कह रहे हैं H2O कैसे आया, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो हमारा एक नया कंपाउंड बना देते हैं पानी। अब देखो यहां चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, ओके चलो। अब आकाश जी मैं इस पर 25 तारीख को वीडियो चला जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सर इसके अन्य उदाहरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण होते हैं जैसे कि पेट्रोल का जलना। याद रखना जितना भी जलना होता है कंबशन होता है वो सब रासायनिक अभिक्रिया ही होता है, है ना। तो पेट्रोल का जलना हो गया, दूध का दही बनना, लोहे का जंग लगना और चांदी का काला पड़ना। बच्चा ये चार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रोसेस है, ये चारों हमारे रासायनिक अभिक्रिया ही है। चांदी कैसे काली पड़ती है, होता क्या है चांदी जो है वो वायुमंडल की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके दारकना Ag2S बनाती है जिसकी वजह से चांदी काली पड़ जाती है। लोहे में जंग लगना सर ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध का दही बनना, पेट्रोल का जलना, जितने भी जलने वाले प्रोसेस होते हैं चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो सबके सब जो है दारकना एक रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। बताइए सबको क्लियर हो गया, फटाफट बताइए जरा, है ना। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये पहली हेडिंग थी केमिकल रिएक्शन की। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है और बैलेंसिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कि भाई बैलेंस करनी जरूरत क्यों पड़ी, तो कह देना केमिकल रिएक्शन जो हो कोई भी केमिकल रिएक्शन वो द्रव्यमान संरक्षण पर काम करती है। किस पर काम करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करती है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है लेफ्ट साइड जितने एटम होंगे राइट साइड भी उतने एटम। तो आप मुझे बताइए अगर मैं पहली वाली रिएक्शन को बैलेंस करूं तो कैसे बैलेंस करूंगा, तो पहले मुझे एटम ढूंढना है, जैसे कि वहां आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सर यहां भी आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका होता है कि देखो यहां तीन आयरन है, Fe के तीन मॉलिक्यूल है, तो यहां पर भी कितना कर दो सर, 3 Fe। समझो बात को,
अब इधर बताइए जरा, यहाँ पर अच्छा एक चीज और क्या करिए कि ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ चार ऑक्सीजन है, वहां देख लीजिए, अगर यहाँ चार ऑक्सीजन है तो भैया यहाँ तो सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है, तो सिंगल ऑक्सीजन को चार ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ तुमने चार से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझ रहे ना, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, तो चार दूनी आठ, आठ हाइड्रोजन, और आठ हाइड्रोजन बनाने के लिए यहां पर भी बताइए कितने से मल्टीप्लाई किया, चार से मल्टीप्लाई किया। रिएक्शन देखिए पूरी बैलेंस हो गई, बताओ पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ा जाए। आप लोग आज बस नोट्स बना लेना, देख लेना, कल मैं इतने अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है चलो और देखिए सर, इसके बाद ये मीथेन, ये ब्यूटेन है, मीथेन प्रोब्यूट C4H10, ये ऑक्सीजन CO2 और H2O, इसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, दहन। और दहन रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है वो भी सुनिए। अगर यहाँ चार कार्बन है, चार कार्बन की वजह से मैं तुरंत यहाँ चार CO2 निकाल दूंगा, चार कार्बन की वजह से चार CO2 सबसे पहले निकालना, ये दहन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूं। फिर 10 हाइड्रोजन है, देखो 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन की वजह से तुम यहां पर 5 H2O निकाल दो, 5 दूनी 10। फिर लास्ट में बैलेंस क्या करो इसमें ऑक्सीजन, दहन रिएक्शन में ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में बैलेंस होती है। तो कहना है 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, 5 एटम, 5 5 8 5 13 ऑक्सीजन। और अगर यहां दो ऑक्सीजन है, 13 बनाने के लिए मुझे यहां 13/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कीजिए बैलेंस हो गया पूरा। सर टेक में क्या क्या सब्जेक्ट है? सुरेश मीना, हम लोग बाद में बात कर लेंगे ना इस चीज की, अभी तो हमारा पूरा टॉपिक बस केमिकल रिएक्शन है भैया, केमिकल रिएक्शन से आप मुझसे पूछिए। ठीक है ओके, चलिए अगला वाले बैलेंस करना सीखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानिए, ये रिएक्शन अभी जब पेपर हुआ था तो सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली रिएक्शन ये। ठीक है देखो, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl MnCl2 + Cl2 + H2O, सर इसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस हो? पहला एक पॉइंट मेरे दिमाग में जाता है कि सर अगर यहां पर क्लोरीन के दो एटम है, यहां क्लोरीन के दो एटम है, तो मेरे भाई यहां क्लोरीन के चार एटम होने चाहिए, दो दो चार, तुरंत यहां मैंने 4HCl लगाया। मैग्नीज पहले से 1 है, सर मैग्नीज यहां 1 है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब रही बात हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, चार हाइड्रोजन है, देखो चार हाइड्रोजन है ना चार, और चार हाइड्रोजन की वजह से सर यहां पर हो जाएगा 2H2O। ओके ऑक्सीजन भी देखो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, दो ऑक्सीजन यहां और दो ऑक्सीजन यहां, चेक कीजिए बताओ। ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, समझ में आ गया, एक बार देख लो भाई जल्दी से फटाफट, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया इतना, एक बार थम्स अप करके बताओ रिएक्शन समझ में आ रही बैलेंस करना। और कभी भविष्य में आपसे रिएक्शन ना बैलेंस हो तो कुछ रही, यहां एक्स, यहां वाई, यहां जेड है, यहां पर टी, कुछ भी मानकर लेफ्ट और राइट इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया करो, वो सबसे आसान तरीका होता है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अब प्रश्न ये आता है कि चलो सर रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आई, अब आप बताइए कि हमारे पास भौतिक परिवर्तन या भौतिक फिजिकल चेंजमेंट क्या होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये भी बड़ा पूछा जाता है। ये मैं समझ नहीं पाया रोहित यादव, आपकी बात भाषा में समझ नहीं पा रहा, उत्पाद क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा, एक बार क्लियर कर दो। हरा फिलहाल भौतिक परिवर्तन क्या होता है, याद रखना भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक गुण बदलते हैं, जब भौतिक गुण बदलते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे कि आपने पानी देखा, देखो जब पानी लिक्विड अवस्था में होता है तो भी H2O, पानी को तुमने बर्फ बना दिया तो भी H2O, पानी को तुमने गैस बना दिया तो भी H2O ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जैसे कि अमोनिया है, तो अगर वो अमोनिया हमेशा अमोनिया ही रहे, कभी वो गैस फॉर्म में थी कभी लिक्विड फॉर्म में, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
सर ये हमारा केमिकल परिवर्तन नहीं होगा। केमिकल परिवर्तन का मतलब ये होता है कि वो अपनी पहचान को खोकर कोई नया पदार्थ बना ले, है ना। लेकिन इसमें नया पदार्थ नहीं, सिर्फ अवस्था परिवर्तन होती है सर, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। जैसे कि सर बर्फ का पिघलना, अब बताओ बर्फ अगर पिघल के पानी बन रहा है तो मेरे भाई इसमें अवस्था परिवर्तन हुई ना। पहले भी बर्फ H2O था, पिघल के पानी भी H2O है, तो सर ये भौतिक परिवर्तन हुआ। पानी का भाप बनना, सर ये भी भौतिक है। अब देखो पेट्रोल का उड़ना, मेरे भाई जो पेट्रोल होता है ना, अगर वो वेपराइज होकर उड़ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर पेट्रोल का जलना पूछा जाता तो वो रासायनिक हो जाता। सेम तरीके से मोमबत्ती का जो पिघलना होता है, मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना लिखा होता तो रासायनिक। बताइए, तो मेरे कहने का मतलब ये प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट निर्भय रोहित यादव जी प्रोडक्ट बोलते। तो भौतिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? सर भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि बस वो अपनी अवस्था को बदल सके, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ज्यादातर अवस्था परिवर्तन वाले जितने भी प्रोसेस है सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं। मैंने अंतर बताया, पेट्रोल को उड़ना भौतिक है, लेकिन पेट्रोल का जलना रासायनिक है। बताइए, तो भौतिक परिवर्तन भाई सबको समझ में आ गया कि फिजिकल चेंजमेंट क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, अवस्था बदलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये। अच्छा मैं जो एग्जाम्पल लिए हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बड़े ध्यान से सुनना कैसे के साथ। अब रिएक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न करे उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एक होता है एंडोथर्मिक, जो ऊष्मा को अवशोषित करे। तो याद रखना, अगली हेडिंग आपको डालनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अच्छा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? सर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, और फिर भी कुछ ऊर्जा या कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जब ये ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी को बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन करना है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। सर इसमें देखिए, दो कंपाउंड आपस में मिले, मिलने के बाद एक नया कंपाउंड भी बनाया और कुछ हमारे ऊष्मा का उत्सर्जन भी किया, यही रीजन है इसे कौन सा प्रोसेस बोला जा रहा, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, बताइए हमें इसके एग्जाम्पल दो भैया, इसके एग्जाम्पल बड़े खास है, इस बात को याद रखना। सुनो, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है चूने में पानी को मिलाना। एक बात याद रखना, जब भी कभी चूने की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, और प्लस कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेरे भाई चूना ये कहलाता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई बार इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखा, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तभी आपने ये रिएक्शन देखी होगी, चूने में अगर पानी डाल दीजिए रिएक्शन आए। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण, यह भी बड़ा पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि बॉडी का जो ग्लूकोज C6H12O6 होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और बदले में कह सकते हो कि CO2 और बदले में कह सकते हो H2O निकालता है, और ऊर्जा भी निकालता है, कितनी ऊर्जा निकालता है, 38 ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है जिसमें हम लोग ऊर्जा का उत्पादन होता है सर, वो भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है सर, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाइड्रोकार्बन का दहन तो भाई ऊष्मा क्षेपी होगी, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे कि मैंने मीथेन ले लिया, मीथेन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं, ऑक्सीजन के साथ, तो पता है क्या होगा, अब देखो बैलेंस करना मुझे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगा, और चार हाइड्रोजन हमेशा पानी के फॉर्म में बाहर निकलेंगे 2H2O, लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस चीज है,
दो ऑक्सीजन दो दो चार ऑक्सीजन, तो चार ऑक्सीजन करना है तो यहां मुझे टू और टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लो बैलेंस हो गया। तो बच्चा ये वाली रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन के बाद भी ऊष्मा बाहर आती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन के बाद ऊष्मा बाहर आती है। सर ये भी एक एग्जांपल, संयोजन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है सब पे सब ऊष्मा उत्पन्न करती है, सबकी सब लाइन से ऊष्मा उत्पन्न करती है। मैं इसका एग्जाम्पल तीन चार देता हूं, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया, अमोनिया बनाने के साथ साथ कुछ ऊष्मा उत्पन्न करती है, ये दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं पानी। सर ये भी कहीं ना कहीं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जितने भी संयोजन अभिक्रिया है, आप जितनी भी संयोजन अभिक्रिया ढूंढ सकते हो, वो सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा को उत्पन्न करती है। और भी देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, सर CO2 बनाती है, सर ये भी ऊष्मा को उत्पन्न करती है। सारी की सारी संयोजन अभिक्रियाएं सर ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं, ध्यान रखना वो सब हमारी कैसी हैं, ऊष्मा छेपी है। उदासीनीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, उदासीनीकरण भी एक ऊष्मा को उत्पन्न करने वाली रिएक्शन होती है। सर उदासीनीकरण का एग्जाम्पल बताइए, एरा उदासीनीकरण का एग्जाम्पल होता है सर कि जब कभी अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या बनाएंगे, सर लवण बनाएंगे, लवण के साथ साथ पानी बनाएंगे और पानी के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी बनाएंगे। बताइए अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस पानी प्लस ऊर्जा या ऊष्मा, सर उदासीनीकरण भी एक हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है। कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी सुनिए, एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ना, मैं बताऊं, मैं ईमानदारी के साथ बताऊं, आप लोग को बहुत ऐसा लग रहा हो रहा कि मैं बड़ा वैसा पढ़ा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। देखो है क्या ना, पढ़ाई एक तपस्या होती है, आज ये तपस्या डेढ़ घंटे की तपस्या कर लो, जीवन में कभी अगर केमिकल रिएक्शन का सवाल गलत हो जाए तब नहीं। अम्ल, अम्ल का एग्जाम्पल ले लो जैसे कि HCl, अम्ल का एग्जाम्पल ले लो जैसे कि HCl, क्षार का एग्जाम्पल ले लो NaOH। मेरे भाई लवण क्या बनेगा, NaCl प्लस पानी बन जाएगा और प्लस ऊर्जा बन जाएगी या ऊष्मा बन जाएगी। सर ये भी हमारी एक उदासीनीकरण का एग्जाम्पल है। बताइए अच्छा रटना पड़ेगा क्या बच्चा, रटना क्या, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कम से कम 60-70 रिएक्शन है वो तो याद करना ही पड़ेगा रोहित जी, वो धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब देखो जैसे भी मैंने आप लोगों को कम से कम 7-8 रिएक्शन यही समझा दी, तो वो धीरे 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 देखिएगा समय के साथ याद हो जाएगी। तो पहले बताइए सबको ऊष्मा छेपी समझ में आ गया, जो ऊष्मा को उत्पन्न करे डेट इज कॉल्ड ऊष्मा छेपी। और ये पांच एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाता है उसमें हमेशा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदासीनीकरण, हाइड्रोकार्बन का दहन, और दहन के भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, श्वसन है, चूने में पानी मिलाना, ये सब हमारा ऊष्मा छेपी है। समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बता दो सब लोग। सर अगली रिएक्शन सुनिए, नेक्स्ट क्या है बताइए। सर नेक्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा छेपी हो गया। आयनिक रिएक्शन क्या होता है, अभी रणधीर जी आइए, आने दीजिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप आएंगे तब समझ में आ जाएगा दोस्त। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है सर, जिसमें ऊष्मा देनी पड़े ऊष्मा शोषी। सर ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है, ध्यान रखना जब भी कभी कोई भी एक कंपाउंड अगर गर्म किया जाता है तो वो अपने दो कंपाउंड में टूट जाता है, और डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना बच्चा, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना अर्थात हीट देना, ओके। इसी को अपघटन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चा, इसको क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है अपघटन रिएक्शन, डीकंपोजिशन। तो जितनी भी रिएक्शन में ऊष्मा देनी पड़ती है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ी है तोड़ने के लिए, सर ये कौन सी रिएक्शन है, इसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी रिएक्शन, इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी पहले से। बताइए, हाँ रोहित यादव जी, ज्यादातर रिएक्शन में याद करा दूंगा, रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट तो रटना ही पड़ेगा, कुछ समझना पड़ता है, जैसे दहन कैसे बनाना है, कंबशन कैसे बनाना है वो समझना है, ठीक है। चलो तो प्रकाश संश्लेषण, बच्चा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बताइए।
तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आपके द्वारा जो CO2 छोड़ा जाता है और जमीन का जो पानी है, इन दोनों को प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। अरे देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अर्थात ऊष्मा का होना जरूरी है, याद रखना ये एक कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी, सब ऊष्मा देनी पड़ रही है। अपघटन रिएक्शन, सर अपघटन रिएक्शन जितनी भी अपघटन रिएक्शन है, जैसे कि अगर मैं अमोनिया को तोड़ दूं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। सुनिए जितनी भी अपघटन रिएक्शन है, जैसे कि तुम्हारा अमोनिया, सर अमोनिया को अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ दूं गर्म करने के बाद, तो ये एक ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं पानी को अगर गर्म करने के बाद तोड़ दूं, तो सर ये टूटेगा तुम्हारा 2H2 प्लस O2 में, ये भी एक ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। और भी दो जो एग्जांपल लेना चाहो अपघटन के, जैसे कि CO2, अगर CO2 को मैं गर्म करूं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा सर, सर ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, एक अपघटन रिएक्शन है। बताइए सर पानी का वाष्पीकरण, अब पानी के वाष्पीकरण के बारे में मैं 2 मिनट आपको समझाता हूं, 2 मिनट के मैं समझाता हूं क्योंकि डिटेल एनालिसिस है इसकी। बताइए तो अपघटन जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण जितनी रिएक्शन होती है वो सब ऊष्मा शोषी होती है, लेकिन पानी का वाष्पीकरण, पानी का संघनन, पानी का गलना है, बर्फ का जमना, ये सब क्या है इसको मैं अलग से समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ऊष्मा शोषी थी, लेकिन अभी ऊष्मा शोषी खत्म नहीं हुई, बिना अवस्था परिवर्तन को समझे ये नहीं खत्म हो सकता। सुनो जरा ध्यान से, देखो आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहली जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड, बहुत ध्यान से सुना। दूसरी स्टेट क्या होती है सर, वो होती है लिक्विड, और लिक्विड के बाद बताइए तीसरी स्टेट में आ जाइए सर, तीसरी स्टेट क्या होती है, गैस। बहुत ध्यान से एकदम कायदे से सुनना, सॉलिड से लिक्विड भी बनता है, लिक्विड से गैस भी बनता है, और गैस से लिक्विड भी बनता है, और लिक्विड से सॉलिड भी बनता है। बताइए आपको ये बात पता है कि नहीं पता, सबको क्या कहते हैं, जैसे जब कोई ठोस लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं मेलेटिन, एम, मैं एम का पूरा नाम अभी लिख दूंगा। लिक्विड जब गैस बनता है यानी वाष्प बनता है तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन। जब गैस लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन का सी ले लिया। लिक्विड जब सॉलिड बनता है, जैसे पानी बर्फ बना सर, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है बच्चा सर, इसे बोलते हैं सबलिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, सबलिमेशन। बहुत ध्यान से एकदम सुनना, सबलिमेशन। और कई बार कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है सर, जब कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है इसे बोलते हैं सबलिमेशन का उल्टा, डी सबलिमेशन। बताओ ये बात सबको क्लियर है, इतनी क्लियर बताइए जल्दी से, सारे रिएक्शन को बता दीजिएगा। हाँ भाई सारी रिएक्शन हो जाएगी, परेशान होइए, देखिए एक एक रिएक्शन हो जाएगी, सिंगल ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जो छूटेगी, विश्वास मानिए सिंगल ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। आप मुझे बताइए सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, ये क्या है? एक बात बताओ, अगर यहां तुम्हारे पास बर्फ होता, सोचिए यहां तुम्हारे पास क्या होता, बर्फ, यहां पर तुम्हारे पास क्या होता, पानी, और यहां पर तुम्हारे पास क्या होता सर, यहां पर तुम्हारे पास होता वाष्प। तो तुमसे ये कहा जाएगा कि बर्फ से पानी बनना, पानी से वाष्प बनना, कैसी रिएक्शन है? आप मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हें पहले सॉलिड से लिक्विड बनाना है, फिर लिक्विड से गैस, यानी इस ओर जाना है, सुनिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, आप मुझे बताइए इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी कि ऊष्मा निकालनी होगी? जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, बताइए ऊष्मा देनी पड़ेगी कि ऊष्मा निकालनी पड़ेगी? कह देना सर बच्चे वाला सवाल है, बर्फ से पानी बनाना है ऊष्मा दीजिए, पानी से वाष्प बनाना है ऊष्मा दीजिए, सर इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ये जो एरो लगाया है, एरो की ओर जाएंगे, ऊष्मा शोषी मतलब ये बर्फ से पानी बनना ऊष्मा शोषी होता है,
बर्फ से पानी बनने को मेल्टिंग कहते हैं, तो मेल्टिंग ऊष्मा शोषी है, पानी से वाष्प बनना ऊष्मा शोषी है, बताइए। सेम तरीके से आप मुझे बताइए इसका उल्टा, उल्टा का मतलब अगर आपको गैस से लिक्विड आना है, लिक्विड से ठोस आना है, मान लीजिए वाष्प से पानी बनाना है, अगर वाष्प से पानी बनाना है तो मेरे भाई बताओ ऊष्मा को देना पड़ेगा कि ऊष्मा निकालनी पड़ेगी? कहना सर अगर वाष्प से पानी बनाना है तो ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, सर इसे बोला जा रहा निकालने का मतलब क्या, बाहर आएगी ऊष्मा, उत्पन्न होगी ऊष्मा। तो अगर आप गैस से लिक्विड बनाते हैं फिर लिक्विड से सॉलिड, ऊष्मा को बाहर करना पड़ेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, सर इसे बोला जाएगा ऊष्मा छेपी। छेपी की इंग्लिश एक्सोथर्मिक और सोसी की इंग्लिश जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक। बताइए सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताइए सबको क्लियर हो गया? अब आप लोग एक काम करना, सॉलिड से लिक्विड बनना क्या होता है, मतलब एम, एम का मतलब क्या है सर? एम का मतलब है मेल्टिंग, जिसको गलना कहते हैं। फिर लिक्विड से गैस बनना या लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से गैस बनना ई इवापोरेशन। मैं पूरा नाम लिखूंगा ताकि आप एक एक बच्चे को पूरा बात समझ में आए, है ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन लिखा ही हुआ है, गैस से लिक्विड बनना सी, सी का मतलब है यहाँ कंडेंसेशन, संघनन जिसको बोलते हैं, है ना। और पानी से सॉलिड बनना क्या होता है, फ्रीजिंग, एफ का मतलब फ्रीजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जमना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जमना। बताइए समझ में आ रहा है इतना? ओके क्लियर है भाई? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताइए सबको समझ में आ गया इतना, कोई डाउट हो तो बताइए, है ना। इसीलिए मैंने यहां पर ये छोड़ दिया। ये देखो प्रश्न था कि पानी का वाष्प ये क्या है, सर पानी का वाष्प बनाने के लिए, देखो पानी को वाष्प बनाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा शोषी, ये एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ था। हिंदी में बताइए, अरे हिंदी में बोला तो इतना तो हिंदी लिख लो, मेल्टिंग का मतलब गलना, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, लिखिए ना सारा काम मैं करूं, कंडेंसेशन मतलब संघनन, फ्रीजिंग मतलब जमना, है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, डी सब्लिमेशन निक्षेपण, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, निक्षेपण। तो सारा काम मेरे से मत कराइए, कुछ आप भी कीजिए, ठीक है। चलो और आगे देखिए, अब मेन यहां से शुरुआत होती है, मेन यही से शुरुआत होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप मुझे बताइए इतनी सारी तरह की हम लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है कि बताइए केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, कहना सर आठ तरह की होती है। कौन कौन से आठ तरह की होती है? सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन, अपघटन, डीकंपोजिशन, दहन, कंबशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स, और एक और याद कर लीजिएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण काफी ज्यादा पूछी जाती है इस समय। ओके तो इतने आठ तरह की केमिकल रिएक्शन होती है और इन्हीं आठ तरह की केमिकल रिएक्शन को आज हमें पूरी तरह से फिनिश करना है। बताइए सब लोग तैयार है? इन आठों के नाम से सब लोग परिचित है, इन आठों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग कल पढ़ लेंगे, हैं आज तो हम थ्योरी पढ़ ले, कल हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे केमिकल रिएक्शन के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, और मैं वही एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके पास जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डालेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलो भाई सबने, चलो आप सुनो सर, संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान रखना ए प्लस बी ए बी बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बताइए क्या बोलते हैं, संयोजन। कई बार दो की जगह तीन कंपाउंड भी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। और प्लस कुछ मात्रा में क्या उत्पन्न करेंगे सर? कुछ मात्रा में ये ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं सर, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथ में थोड़ी बहुत ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ऊष्मा छेपी।
संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, इसलिए बोला जाता है इसे ऊष्मा क्षेपी। बताइए तो आप मुझे बताइए इसके एग्जाम्पल क्या है। यही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बार पूछा गया, आप देखिए पेपर में। तो याद रखना सबसे पहली जो हेडिंग है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो मैग्नीशियम रिबन को हवा में जब जलाते हैं तो सफेद धुएं या सफेद ज्वाला के साथ जलता है। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, एमजी यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग हवा में जलाते हैं, और हवा में जलाने का मतलब क्या हुआ, अब देखो हवा में जलाने का मतलब हो गया ओ2 के साथ जलाना। तो आप यहां 2mg ले लो, क्या ले लो 2mg। तो बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सर सफेद धुआं बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद धुआं बनता है, याद रखना इसी को बोलते हैं हम लोग दहन रिएक्शन। ये हमारी दहन भी है एक प्रकार से, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी है। क्यों कॉम्बिनेशन है, देखो एक पदार्थ दो पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा बना रहे। 2mg प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2MgO, और याद रखना सफेद पाउडर बनाते हैं या सफेद धुएं के साथ जलते हैं। समझ में आ गया सुनील, Mg2O नहीं होता है, गलत, 2mg प्लस O 2MgO होता है, ठीक है। सर डाउट क्वेश्चन कैसे भेजेंगे आपको, हाँ मैं एक और आपको बात बोल दूं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन से जो भी आपको डाउट है, मान लीजिए आपने यहां वहां जहां जहां कहां कहां से क्वेश्चन लगाए हैं केमिकल रिएक्शन के और आपसे नहीं बनते, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। कल मैं क्या करूंगा कि जब आऊंगा यहां पर क्लास में तो आपके सारे के सारे डाउट क्वेश्चन लाकर सॉल्व बिठा दूंगा जो भी, लेकिन भेजिए ना केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कल मैं केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। चलो अब देखिए आगे, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, यह अगला एग्जाम्पल है। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो बताइए किसका निर्माण करेंगे, सर पानी का निर्माण करेंगे, और याद रखिएगा ये भी एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, सर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, आपस में जुड़ गए। और देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन हो, दहन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो कार्बन, याद रखना जो कार्बन होता है सर, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है, सर ये भी एक प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं संयोजन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में मिलकर, तो आप मुझे बताइए अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं तो बताइए क्या बनाते हैं, कह देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं बच्चा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक तरह की कैसी रिएक्शन है, बनना ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना ले, सर उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चेक कर लीजिए एग्जाम्पल, मैंने आपको वही वाले दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा एप्लीकेशन का डाउट कैसे भेजें, तो एप्लीकेशन का डाउट भी मेरे उसी नंबर पे भेज दीजिए 8545 वाले पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसी पे, है। चलो अब दूसरी टाइप की रिएक्शन सुनिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन अभिक्रिया। सर मैंने अभी अभी बताया कि जितनी भी अपघटन अभिक्रिया होती है उसे ऊष्मा देनी होती है, और ऊष्मा देने की वजह से बताइए इसे क्या बोला जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ को गर्म कीजिए और वो अपने अपघटन यानी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए, तो दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए उसी को बोला जाता है सर ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, अपघटन। जब कोई यौगिक हीट पाकर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए उसी को बोलते हैं अपघटन रिएक्शन। अब इन्होंने एक वर्ड यूज किया था हीट पाटर, लिखा था ना हीट पाटर, देखो काल का ये देखो ऊष्मा पाटर। लेकिन ऊष्मा पाने के भी तीन तरीके होते हैं, एक तो होता है ऊष्मा फिर विद्युत और फिर प्रकाश, ठीक है, मतलब विद्युत प्रकाश और तापी। तो याद रखना डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन तरह की हो जाती है, एक होता जाता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश से ऊष्मा पा रहा है, उसके बाद एक हो जाती है इलेक्ट्रिक यानी गर्म करके तार वगैरह से गर्म करके उसे ऊष्मा दी जा रही है, एक होती है डायरेक्टली ऊष्मा देना। तो तीन तरह की हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाती है। सुनील जी मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं डीकंपोजिशन रिएक्शन के उदाहरण क्या है। सबसे पहला उदाहरण देखिए, कह देना कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप गर्म करते हैं
तो बताइए क्या बन जाता है? तो कहना कैल्शियम कार्बोनेट डम करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड को जब भी कभी गर्म करेंगे तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये बात कई बार पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बाइड को गर्म, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। सर इसमें भी तो गर्म किया गया है, ये जो गर्म करना रिएक्शन है इसे बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। ध्यान रखना इसमें गर्म करते हैं हीट देकर, इसलिए इसका नाम है ऊष्मीय अपघटन। तो ये एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल किसका है, ऊष्मीय अपघटन का है। ओके दूसरा वाला देखिए सर, दूसरा वाला एग्जांपल देखिए फेरस सल्फेट को गर्म करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरे। जब भी कभी फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को गर्म करते हैं तो याद रखना सबसे पहले बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस ध्यान रखना सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। 3, 2, 5, 5, 3, 8 एकदम सही है। तो इसमें भी हम लोग गर्म करते हैं तभी ये पॉसिबल है, और ये गर्म करना भी कौन सा अपघटन होता है सर, इसे भी ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, हीट देकर गर्म करते हैं। बताइए क्लियर है? हाँ बृजेंद्र जी, मैं देखिए धीरे धीरे बेसिक साइंस में रोज वीडियो पढ़ रहे हैं, अब अचानक से इतनी जल्दी तो नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन हम लोग उसको खत्म करेंगे टाइम से। अगला देखिए लेड नाइट्रेट, बच्चा लेड नाइट्रेट को जब भी कभी गर्म करना होता है PbNO3 का होल ट्वाइस सर ये गर्म करना होता है। तो लेड नाइट्रेट का गर्म करना सर ये भी एक प्रकार का ऊष्मीय अपघटन होता है, याद रखना लेड नाइट्रेट का गर्म करना भी कैसा अपघटन है सर, ऊष्मीय अपघटन ऊष्मीय। तो मेरे भाई जब भी कभी लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म होता है तो याद रखना सबसे पहले बनाता है लेड ऑक्साइड PbO और प्लस ध्यान रखना 2PbO बनाए रखो, यहां 2 मैंने लिया, प्लस ध्यान रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस निकालेगा। ले बैलेंस करना आपका काम है, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन दीजिए, 2 × 4 4 × 2 = 6 3 × 6 = 6 6 × 2 = 12 3O2 देखो जरा रिएक्शन क्या बैलेंस है, 3 × 6 = 4 × 4 = 10 3 × 6 = 6 × 2 = 12 दो नाइट्रोजन। हाँ अब रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सुनील आपने भेज दिया दोस्त, अब कल तक का वेट कीजिए यार, अभी हम बीच क्लास में नहीं बता सकते ना, बीच क्लास आप खुद सोचो क्लास चल रही है किसी और की और हम लोग रिएक्शन बना दे किसी और की, आपने क्वेश्चन भेज दिया मैंने देख लिया अभी तुरंत, अरे हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्त। हाँ चलो और देखो सिल्वर क्लोराइड का ड्रम करना, तो बच्चा मेरे जब भी कभी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का ड्रम होना होता है तो याद रखना AgCl के ड्रम होने से एक तो Ag पता चलता है और प्लस क्लोरीन गैस पता चलता है, इसमें भी गर्म करना होता है लेकिन ये गर्म करना ऊष्मीय अपघटन नहीं है, ये प्रकाशीय अपघटन है, ये प्रकाशीय अपघटन है, प्रकाश की ऊष्मा से गर्म होता है, प्रकाश की ऊष्मा से, याद रखना प्रकाशीय अपघटन। ओके बताइए, अरे हाँ यार रिएक्शन थोड़ी बैलेंस नहीं है, एक मिनट रुकिए, 2 नहीं 4 NO2 होने चाहिए, एक मिनट रुकिए, यहां पर रिएक्शन थोड़ा सा बैलेंस नहीं हुई, देखिए 2 और 2 × 4 4 NO2 होना चाहिए, 4 NO2 होना चाहिए और 4 × 8 = 10 प्लस O2 होना चाहिए, रिएक्शन तो थोड़ा सही कर लीजिए भाई, रिएक्शन को बैलेंस करना देख लीजिए। हाँ मैंने सही कर लिया दोस्त, सही कर लिया सर, ठीक है मुझे याद आ गया था। ओके तो कहना ऊष्मीय अपघटन हो गया, ऊष्मीय हो गया, ऊष्मीय हो गया, प्रकाशीय अपघटन हो गया। बट एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास पूछा जाता है, जगह नहीं है मैं कहीं लिख देता हूँ, यहां लिख देता हूँ, बस आप लिख लीजिए इसको। एक और बहुत ज्यादा खास पूछा जाता है कि अगर सर पानी का जो ड्रम करना होता है और इसके बाद हमारा H2+O2 बनता है, 2H2+O2, आप मुझे जल्दी से बताइए इसका ड्रम होना कौन सा अपघटन होता है। विराट यादव जी साउंड क्वालिटी सही है दोस्त, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा काम दिला लो यार, तो मेरा डला फटा हुआ है। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर ये गर्म करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं तो ये तुम्हारा ना ऊष्मीय अपघटन होता है ना प्रकाशीय होता है, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलाइसिस अपघटन होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस अपघटन, डीकंपोजिशन जिसको बोलते हैं। तो तीनों अपघटन के एक एक एग्जांपल आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बताओ ठीक है।
समझ में आ गया भाई। तो ये तीनों एग्जांपल, अपघटन का सीधा सा मतलब होता है कि एक कंपाउंड जब दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आई, अगली हेडिंग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना फटाफट। बताइए सवाल क्या है, प्रश्न है कंबशन रिएक्शन बताइए किसे बोलते हैं, दहन। तो बच्चा दहन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी किसी हाइड्रोकार्बन की क्रिया, ध्यान से सुना, जब भी कभी कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, बहुत ध्यान से सुना, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ध्यान रखना वो क्या बनाता है, एक तो बनाता है सर कह सकते हो CO2 गैस और दूसरा बनाता है पानी। कोई भी हाइड्रोकार्बन अपने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद या तो CO2 गैस बनाता है, अच्छा CO2 गैस के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन सकती है, नो डाउट, दोनों में से कोई एक चीज बनेगी। अब ये डिपेंड करता है कि सवाल में क्या बनाने को बोला गया है, और दोनों ही, दोनों में से कोई एक चीज बनेगी, साथ में पानी भी बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सर, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, कंबशन रिएक्शन। अब देखो जो सर दहन रिएक्शन होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट। कॉपी में नोट डाउन करना, दहन रिएक्शन सर दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं कंप्लीट, एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होती है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। सर कंप्लीट कंबशन में हमेशा जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है, और इनकम्प्लीट में भाई देखो ऑक्सीजन की कम मात्रा है ना, ऑक्सीजन की जब भी कभी कम मात्रा होगी और किसी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2O बनेगा। ओके बताइए, आप लोग कई बार आपने देखा होगा आप लोग को सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में आग ना जलाएं, क्योंकि जब बंद कमरे में आप आग जलाते हो तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग स्लो पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर कोई पूछे कि स्लो पॉइजन किस गैस को बोला जाता है, तो कहना स्लो पॉइजन बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जहरीली होती है। सर बुक कितने का है, बुक ये आपको पड़ेगा 250 रुपए का, लिंक आपको मिल जाएगी या मैंने जो नंबर आपको दिया है अभी, आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर दीजिए ना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में सुनो, अभी मैं एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंप्लीट कंबशन का अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कोई भी ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो ले लो। जैसे कि मैंने एथेन लिया C2H6, मैंने मीथेन लिया CH4, मैंने एसिटिलीन लिया C2H2, मैं इन तीनों को कराना चाहता हूं कंप्लीट कंबशन, मैं इन तीनों को कराना चाहता हूं कंप्लीट कंबशन, बहुत ध्यान सुनना, कंप्लीट रिएक्शन बनाना आप सीख लिए। तो अगर मैं पिंकी कुमारी 85 45 94 49 47 94 49 47 नोट कीजिए, मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। मीथेन एथेन एसिटिलीन, इन तीनों का मैं कंप्लीट कंबशन कराना चाहता हूं, इसका मतलब इन तीनों की रिएक्शन किससे होगी, सर ऑक्सीजन से होगी। मैंने कहा था कि जब भी कभी कंप्लीट कंबशन होगा तो एक ही तरह की गैस बनेगी, सर वो होगी CO2 और थोड़ी बहुत मात्रा में H2O, सर वो होगी CO2 फिर H2O, सर वो होगी CO2 प्लस H2O। लेकिन अभी रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है मेरे भाई, कैसे बैलेंस होगा बताओ। तो सबसे पहला काम होता है कार्बन कार्बन बैलेंस कीजिए, दो कार्बन है यहां पर तो दो कार्बन है तो तुम CO2 2 CO2 निकाल दो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, 6 हाइड्रोजन है यहां पर तो 3 हाइड्रोजन 3 H2O निकाल दो, और लास्ट में बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन को, देखो 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन, 4 × 3 = 3 हो जाएंगे 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे यहां पर करना पड़ेगा 7/2। जल्दी बताइए पहली वाली रिएक्शन सबको समझ में आ गई बैलेंस करना कि नहीं, बताइए। सर अभी बुट तक नहीं आया सर, 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया रोहित यादव, क्या बात कर रहे हो यार, तुम मुझे फोन करना, तुम्हें तो आ जाना चाहिए।
और 8 दिन हो गया तो भूख तो आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो मैं आप मुझे बताइए ना। तो पहली वाली रिएक्शन सबको समझ में आ रही है, एक बार बताइए जल्दी से। दूसरी वाली सुनिए, कार्बन एक है, एक CO2, चार हाइड्रोजन है, हाँ तो देखो 2H2O, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस कीजिए, तो दो दो चार, दो दो चार और दो दो चार, इसका मतलब यहाँ पर 2O2। दूसरी वाली रिएक्शन भाई बैलेंस करना है सबको, आगे बताइए जल्दी से, थम्स अप करते रहिए, समझ में आया नहीं आया। चलिए तीसरी वाली देखिए, सर दो कार्बन है यहाँ पर इसलिए 2CO2, फिर दो हाइड्रोजन है यहाँ पर इसलिए H2O बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन देखिए तो कहना दो दूनी चार, चार एक पांच, पांच ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर 5/2, क्योंकि दो से दो कट जाएगा। ओके बताइए, क्लियर हो गया, फटाफट बताइए, कंप्लीट कंबशन सबको क्लियर है, कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन इसी तरह से बनाई जाती है, तो रिएक्शन को बनाना भी सीखिए, समझो बात को। चलो इनकम्प्लीट सुनिए, इनकम्प्लीट क्या होती है, इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा मीथेन होता है, मेरा एथेन होता, ओके चलिए इन दोनों की बस बना लेते हैं, मीथेन और एथेन, ठीक है, इनकी मुझे कहानी है, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अपूर्ण दहन बोलते हैं इसको हिंदी में, अपूर्ण दहन, ठीक है। तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ इसमें रिएक्शन कराऊं तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनना चाहिए, है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अपूर्ण दहन है तो कंफर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, बताइए अपूर्ण दहन में यही दोनों बनते ना, बट अभी तो बैलेंस करना है मुझे, कैसे बैलेंस होगा, कह दे रहा एक कार्बन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, चार हाइड्रोजन है तो यार 2H2O कर दो, बैलेंस कीजिए, दो और एक तीन, तीन तो यहां 3/2 हो जाएगा, एसिटिलीन क्या बोलते हैं, एथेन दो कार्बन है इसलिए यहां 2CO, छह हाइड्रोजन है इसलिए यहां 3H2O, फिर आप देखिए इधर यहां पर दो और तीन दो पांच है, पांच और पांच लाने के लिए यहां पर मुझे कितना करना पड़ेगा, 5/2। तो चाहे हमारा कंप्लीट कंबशन हो चाहे इनकम्प्लीट हो, आप समझ लीजिए। रोहित यादव मुझे फोन करना, मैं बात करता हूं, कार आईडी किताब मिल जाएगी दोस्त, है ना, चलो क्लियर है ना, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट सबको समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बता दो फटाफट। और बाकी मैं आपको बता दूं, आपके एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स तो चल ही रहा है, और मैं बता दूं इस कोर्स की खास बात क्या है, इस कोर्स में मैं लास्ट में आपको वो 360 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो आपके 9 सेट में पूछे रहे थे, 1 सेट में 40, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, मैं कह रहा हूं आप भी लीजिए, बाद में लेने का मैं बोल ही नहीं रहा कि आप लीजिए, लेने के बारे में तो मैं कभी भी किसी बच्चे को नहीं कहता, आप प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बस, और वहां पर जाके इस कोर्स की बच्चों द्वारा दी गई जो इसमें पढ़ रहा है उनकी रेटिंग एक बार चेक कर लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कोर्स कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली जो रिएक्शन आती है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बात है, एक बार लाइक कर देना दोस्त, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट, समझा जाए क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सुनो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि जब किसी एक कंपाउंड की क्रिया, बहुत ध्यान सुनना, जब किसी एक कंपाउंड की क्रिया किसी दूसरे कंपाउंड से टाई जाती है, जैसे ए बी ने क्रिया की सी से, ए बी ने क्रिया की सी से और बना दिया क्या, बना दिया ए सी और बी को हटा दिया, बना दिया ए सी बी को हटा दिया, सर इसी को बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सर ध्यान रखना इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जब एक कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और किसी एक को हटा देता है, यानी ए बी ने सी के साथ रिएक्शन की तो सी ने किसको हटाया, ना सी ने हटाया बी को, सी ने हटाया बी को तो ए सी प्लस बी, सर ये विस्थापन, बट ये विस्थापन होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल याद रखना इसे क्या बोलते हैं, सर इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक हटे ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है,
डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एबी ने रिएक्शन की सीडी के साथ, एबी ने रिएक्शन की सीडी के साथ, फिर बन गया तुम्हारा एसी, बन गया तुम्हारा एसी और साथ साथ बन गया डीबी। इस बार देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस बार डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसने किसको डिस्प्ले किया, सी ने डिस्प्लेस किया बी को, देख लीजिए। और इसके बाद कह सकते हो कि डी और बी, अरा डी और बी, सी ने डिस्प्लेस किया बी को और ये भी डिस्प्लेस हो गया, ए सी बना और क्या बन गया, डी बी बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो रही सर, इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी विस्थापन, लेकिन इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ क्लियर है ना, ओके क्लियर है, दोनों रिएक्शन समझ में आ रही। लेकिन मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन की परिभाषा तो आपको समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु किसी अणु से दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, परंतु 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 विस्थापित होने के लिए पहले परमाणु की क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए, विस्थापित होने के लिए पहले परमाणु क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये रिएक्टिविटी टेबल, आप इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि बिना इसके आप विस्थापन अभिक्रिया कभी बता नहीं सकते, रिएक्टिविटी टेबल। ओके अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर कुछ मेटल्स लिखे हैं, ये कुछ धातुएं हैं, ये अधातु नहीं है, ये ज्यादातर धातुएं है ना, हाइड्रोजन बस अधातु है बाकी नहीं सब धातुएं। तो बच्चा ये सारे के सारे मैंने लगभग धातुएं लिखे, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, नीचे से कहां जाते हो ऊपर, रिएक्टिविटी बढ़ती है, जब नीचे से ऊपर जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सुनो ध्यान से, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी सर, सबसे ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे, पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम, देखो पोटेशियम सबसे ऊपर है उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये तीन एक साथ याद रखो, फिर से याद कराओ सर जरा एकदम आसान, सबसे पहले पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम के 19 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, देख लो सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ना, तो ये हमारा कह सकते हो इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद जिंक आ गया, जिंक के नीचे Fe, Fe के नीचे SN, Pb, हाइड्रोजन, फिर कॉपर Hg, Ag, Au, प्लेटिनम। बच्चा सबसे कम रिएक्टिविटी प्लेटिनम की, उससे ज्यादा गोल्ड, उससे ज्यादा सिल्वर, फिर हमारा Hg। मैं आपको बता दूं जितनी भी महंगी धातुएं हैं, जितनी भी महंगी धातुएं हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है सर, जिनकी भी महंगी धातु है। तो बच्चा रिएक्टिविटी टेबल को याद करने के बाद ही आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आपको एक दो चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि देखो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी आयरन की भी होती है, जिंक की भी होती है, मैग्नीशियम की भी होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी आयरन की, जिंक की, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब की होती है, कॉपी में नोट डाउन करें। ओके चलो अब यहां पर देखिए, चलिए याद रखिए, सबसे पहले देखिए सबसे पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है सर, सबसे पहला जो एग्जांपल लिखा हुआ है बच्चा वो ये लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले आप बताओ कॉपर सल्फेट अगर मैंने ले लिया और मैग्नीशियम ले लिया, आप ये बताओ कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तुम्हें ये बताना होता है कि ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं, मतलब मैग्नीशियम कॉपर को हटा पाएगा कि नहीं। तो अगर मैग्नीशियम को कॉपर को डिस्प्लेस करना है, मैग्नीशियम को कॉपर को हटाना है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने बताया ना कॉपर नीचे होता है, कॉपर से ज्यादा मैग्नीशियम की भी होती है, कैल्शियम की भी होती है, आयरन की भी होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है, जिंक की भी होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताइए अगर मैग्नीशियम की ज्यादा है तो कंफर्म ये रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर के साथ कंडक्ट हो जाएगी, बताइए जल्दी बताइए हो जाएगी कंडक्ट की नहीं हो पाएगी है ना। चलिए दूसरा बताइए सर, दूसरे के बारे में बताइए सर, दूसरा है आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट, फिर बताइए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, जल्दी बताइए ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको याद कराया ना कि भाई कॉपर जो है ना वो सबसे नीचे होता है, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, आयरन ज्यादा क्रियाशील है,
यही रीजन है यहाँ फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर हो जाएगा। अरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं बताइए। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया आपने। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। अगर इन दोनों के भी बच्चा रिएक्शन कराते हैं तो कंफर्म सोडियम क्लोराइड है भाई, AgCl वही मैंने कहा, दो दो जने टा जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है। तो बच्चा ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जो डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है सर? सर डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड बनेगा और प्लस सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा। बताओ क्लियर है? चलिए जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से करना। अब आप सब लोग चौथी वाली रिएक्शन मुझे सब लोग बताएंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से करना। फटाफट बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। और पांचवी रिएक्शन सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की क्रिया कॉपर से करना। जल्दी से बताइए चौथी और पांचवी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। बताओ कल हम लोग रजिस्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजेदार दमदार। अभी इसके बाद तो बचा हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो वही है, बताइए। हो रही नहीं हो रही बताइए। ओके तो बच्चा जिंक, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है। जिंक से कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो भाई कॉपर कहां से रिएक्शन कर देगा, कहां से डिस्प्लेस कर देगा? नो रिएक्शन। कॉपर और यह हाइड्रोजन, तो बच्चा कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है। ये देखिए कॉपर ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, तो कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बताइए बताइए जल्दी से, बात सबको क्लियर हुई नहीं? क्लियर हुई, फटाफट बताइए। मैं अपनी तरफ से एक रिएक्शन और पूछ लूं, जल्दी बताइए, एक रिएक्शन छठवीं नंबर और पूछ लूं? नो 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 नो। चलो समझ में आ गया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मान लीजिए मैंने आपको कहा, इस बार मैंने कहा H2SO4 प्लस Mg, जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नॉट पॉसिबल। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल बस लिख दीजिए। बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, जल्दी से मुझे लिख के बताइए, फटाफट बताइए। और जितने भी बच्चे आज लाइव देख रहे हैं या फिर कल बाद में देखेंगे ना, वो सारे के सारे बच्चे जो है ना, कल शाम के 7 बजे क्वेश्चन वाली क्लास जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि कल मैं बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? कहना मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए सर ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ में तो आ ही रहा होगा क्या रिएक्शन होने वाली है। चलो आगे देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है भैया। सर टेट सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल है, टेट सब्जेक्ट भी है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी मिलेगा। तो मेरे भाई ये रिएक्शन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये रिएक्शन का नाम है तुम्हारा क्या? ऑक्सीडेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। हाँ, इसका एक एक पॉइंट बड़ा खास है, एक एक पॉइंट बड़ा खास है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचाने की कौन सी रिएक्शन ऑक्सीकरण है? एक मिनट, ये मैं थोड़ा एसी बंद कर दूं, बड़ी ठंडी लग रही है। चलिए तो आप मुझे बताइए, सबसे पहली तीन डेफिनेशन होती है ऑक्सीकरण को समझने की, बड़े ध्यान से सुनना। अभी ये थोड़ा सा खास बात आ गई और समझने वाली बात है, नहीं तो गलती कर दोगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहली परिभाषा होती है ऑक्सीकरण की, कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अधातु वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, बस मैंने परिभाषा लिखी हुई है, मेन याद करिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना सर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है ना। तो मेरे भाई अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है तो इसका एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल दीजिए सर। कहना कार्बन और ऑक्सीजन, देख लो ऑक्सीजन का जुड़ना सर ऑक्सीकरण है, यह ऑक्सीकरण है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जुड़ना ये भी तुम्हारा क्या है सर? ये भी ऑक्सीकरण है, ये सब ऑक्सीकरण है। ओके, इसके अलावा और भी रिएक्शन देख लीजिए,
जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कॉपर और ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर और ऑक्सीजन का जुड़ना सर CuO, सर ये भी ऑक्सीकरण है। तो जब भी कभी ऑक्सीजन जुड़ता है, याद रखना सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना, ये बताइए हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बताइए पहली वाली जो ए नंबर की परिभाषा लिखी है उसके ये तीन एग्जाम्पल सबको समझ में आए। छोटे छोटे शब्दों से हम लोग इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है एकदम जल्दीबाजी में भागेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन पे जुड़ना, और भी चाहो तो और भी एग्जाम्पल लिख लो, कि Mg plus O2 जब आपस में जुड़ते हैं तो बताइए क्या बनाते हैं, 2MgO, सर ये भी ऑक्सीकरण है, ओके। इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सर ये भी ऑक्सीकरण है। ये सब ऑक्सीकरण है, लेकिन किस परिभाषा से, ए नंबर वाली परिभाषा से, ए नंबर वाली परिभाषा से, बताओ। चलिए बी नंबर वाली परिभाषा देखिए, सर बी नंबर वाली परिभाषा लिखी हुई थी हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। सर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, मैंने कहा बिल्कुल, ये देखिए 2H2O, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो आप बताइए यहां से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा, अच्छा नहीं 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 नहीं, उल्टा हो गया सॉरी, हाइड्रोजन का क्या है सर, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। अच्छा हाइड्रोजन के निकलने वाले एग्जांपल लेने हैं हम, तो हाइड्रोजन के निकलने वाले एग्जांपल में 2HCl ले लीजिए, इसको तोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, देख लीजिए हाइड्रोजन बाहर चला गया। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है सर, हाइड्रोजन का निकलना भी एक ऑक्सीकरण है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया में देखिए हाइड्रोजन अलग हो जाएगा सर, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, 3H2 लिखना पड़ेगा, 3H2 सर नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, सर ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण है, समझ रहे ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागना या फिर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। देखो जैसे कि मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो मैग्नीशियम प्लस प्लस बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, ये भी ऑक्सीकरण है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन के त्यागने के और एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जब तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस बन जाता है, सर ये भी ऑक्सीकरण है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है। अच्छा इसमें एक चीज और लिखी थी, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीकरण संख्या 0 है या प्लस 2, एल्युमिनियम में 0 है प्लस 3, तो यहां पर इन दोनों में देखो ऑक्सीडाइजेशन नंबर बढ़ रही है, और जब भी कभी ऑक्सीडाइजेशन नंबर बढ़ती है उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। बताओ 2N2 कैसे, अच्छा अच्छा हाँ 2N2 कैसे, इसे सही कर लो, 2N2 थोड़ी ना आएगा, N2 2NH3 है ना, तो यहां पर सिर्फ N2 आएगा, सही कर लीजिए, बताइए। हाँ हाँ मैंने वो सही कर लिया, सही कर लिया दोस्त, बताइए समझ में आ गया। तो एक बार प्यार से मोहब्बत के साथ बोलिए, सबसे पहली परिभाषा क्या थी, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, दूसरी परिभाषा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, तीसरी परिभाषा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है, चौथी परिभाषा जो उसी के साथ थी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है। बताइए ऑक्सीकरण अभी मैंने समझाया, रिडॉक्स नहीं, अभी रिडॉक्स में आएंगे, चलो आगे देखिए। सर अब बात करते हैं हम लोग अपचयन की, अब बताइए अब हम लोग बात किसके करते हैं, सर हम लोग बात करते हैं अपचयन की, यहां तक सबको समझ में आ गया ना, बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, किसी बच्चे को ऐसा ना होना चाहिए कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कल मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बड़े धमाकेदार क्वेश्चन है। नहीं तो हाइड्रोजन धातु का जुड़ना अपचयन है, अब बताओ इन्होंने बोला है हाइड्रोजन धातु का जुड़ना अपचयन है, पहली परिभाषा, तो हाइड्रोजन धातु का जुड़ना, जैसे कि क्लोरीन में देखिए हाइड्रोजन धातु जुड़ी है, फ्लोरीन में देखिए हाइड्रोजन धातु जोड़ी है, अरे समझ रहे ना, हाइड्रोजन धातु नहीं, हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, सर ये क्या है, सर ये सब हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, सर इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, और जब भी कभी हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो याद रखना वो हमारा क्या होता है, अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। एक और बहुत खास रिएक्शन होती है, जब भी कभी तेल में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वनस्पति घी बनता है,
तेल में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वनस्पति घी बनता है बच्चा, और इसे भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे भी बोलते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना यानी अपचयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना बताइए कौन सी रिएक्शन कहलाता है, कहना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। समझ में आ गया इतना बताओ? ओके अच्छा, हाइड्रोजन का जुड़ना, अब इसके बाद अगली परिभाषा है सर ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना कैसे, जैसे कि 2CO2 या CO2 बस ले लो, CO2 का आप तोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना है। 2MgO सर तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अलग O2 अलग, देखो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, समझ रहे ना? तो ऑक्सीजन का जो बाहर निकलना है वो हमारा क्या है सर, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि 2Fe2O3 अगर इसे भी आप तोड़ेंगे तो 4Fe, और इसके अलावा कह सकते हो कि हमारा 3O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। बताइए सर एक्सप्लेंट, एक्स प्लांट को एक्सप्लेन कर दो, मैं बात आपकी नहीं समझ पा रहा हूं दोस्त। तो ये ऑक्सीजन का जो बाहर निकलना है बताइए ये भी क्या है सर, ये भी क्या है सर, इसे भी अपचयन बोलते हैं। परिभाषा के साथ नोट डाउन कीजिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, तीसरी सी परिभाषा देखिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, जैसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बताइए इलेक्ट्रॉन लिए O- बनाया है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना सर, ये भी क्या है सर, अपचयन है। मैग्नीशियम प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए सर, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना सर, ये क्या है सर, ये हमारा एक अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन ने सिर्फ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया तो देखिए Cl- ये भी क्या है सर, ये अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी क्या है, अपचयन। एलपीजी न्यू वैकेंसी सर, एलपीजी न्यू वैकेंसी का न्यू अपडेट सभी लोग देख लो, न्यू अपडेट आ गया क्या, बात कर रहा हूं भाई, क्या एलपीजी वैकेंसी आ चुकी है बताइए, चलो देखते हैं, देखते हैं। तो ये सबको समझ में आ जाए ना, अब बच्चा इसके बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए रिडॉक्स, यही सबसे ज्यादा समझना है। मैं अभी देख लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बोल देता हूं टीम को। ठीक है चलो, 29 को बोल दो, RRB सिकंदराबाद की वेबसाइट में देखो कोई वैकेंसी की अपडेट है क्या। ठीक है चलो, अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा ध्यान रखना, ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो ध्यान रखना उसे रिडॉक्स बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये दो चीजें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। देखो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, आप गौर से देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बना और कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, एकदम ध्यान सुनना। तो आप मुझे एक बात बताइए, जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक बना है तो ऑक्सीजन बाहर निकला है सर, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलना है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है सर, ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है अपचयन। बताइए ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, अपचयन है ना, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो बताइए कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है सर, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है सर, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। दोनों रिएक्शन एक ही साथ आ रही, इसी को लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं आपको यहां एक बहुत खास बात बता रहा हूं, बस उसको सुनिए, यहां पर जिंक ऑक्साइड का हुआ है अपचयन, बहुत ध्यान से सुनना, जिंक ऑक्साइड का हुआ है अपचयन, किसमें हुआ है, जिंक में, जिसका अपचयन होता है सर, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए कार्बन को बोला जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है तब उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाता है उसे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे कहने का बस अर्थ इतना सा है, सिर्फ इतना सा है कि जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बताइए समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताइए समझ में आया नहीं आया, उल्टा है कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलो, आयरन से बना है तुम्हारा आयरन, सिर्फ आयरन ऑक्साइड से आयरन, ऑक्सीजन बाहर निकला है, ऑक्सीजन बाहर निकला है तो इसका क्या होगा? अपचयन। अपचयन फिर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना, सर ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, सर ऑक्सीजन जुड़ा है तो बताइए इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका क्या होगा? सर इसका होगा ऑक्सीकरण। मेरे भाई जिसका अपचयन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो मेरे दोस्त यहां पर Fe2O3 का अपचयन हुआ है, और Fe2O3 का अपचयन हुआ है यानी रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है, देखो तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है बस, जिसका ऑक्सीकरण उसे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है? सेम तरीके से H2S क्लोरीन ये सल्फर और HCl बना रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसमें कैसे बताओगे? इसमें तो कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ना, है सल्फर से, देखो H2S से सल्फर बना, हाइड्रोजन बाहर निकला, इसमें बोलेंगे हाइड्रोजन बाहर निकला। तो जब भी कभी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, देखो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, इसमें कहा जाएगा कि ये हुआ है इसका ऑक्सीकरण। और क्लोरीन, देखिए क्लोरीन बना है HCl, सर क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका, उसे क्या बोलते हैं? सर उसका होता है अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन। ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी में नोट डाउन करते रहना। और क्लोरीन का, क्लोरीन का देखिए अपचयन हुआ है, और जिसका अपचयन होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या था? एक बार जल्दी से सब लोग थम्स अप करके बताएंगे ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट जल्दी बताइए ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। देखो आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई, फिर भी आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का ये टॉपिक यहां से फिनिश हो जाता है। इसके बाद अगर आप लोग माई पाठशाला का में कंप्लीट साइंस का बैच लेना चाहते हो, या माई पाठशाला में आप लोग कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, याद रखना डाउनलोड करना है माई पाठशाला। तो माई पाठशाला में एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट सीबीटी 1 सीबीटी 2 का बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच जिसका नाम है, और आप साइंस का भी बैच ले सकते हो। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ऊपर दो विंडो दिखाई देगी, एक तो एएलपी टेक्नीशियन साइंस सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के लिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक विंडो दिखाई देगी जिसमें फाउंडेशन बैच हो रहा है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के लिए। इसको लेना कैसे? सर इसको लेने के लिए आपको यहां लर्न मोड में क्लिक करना है, और जैसे ही लर्न मोड में क्लिक करोगे मेरे दोस्त, तो फाइनली जो है आपको इस तरीके से विंडो क्लियर होगी। यहां 12 मंथ की वैलिडिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहां मानेगा डू यू हैव प्रोमो कोड, और यहां पर प्रोमो कोड डालना है YOGI10 YOGI10, और फिर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, और डिस्काउंट के बाद आप साइंस का बैच या फिर कंप्लीट सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का बैच ले सकते हैं। ओके, चलिए बाकी एक दो चीजें और बची है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन, ये मैं आप लोगों को कल जाते जाते उस समय बता दूंगा, ठीक है? तो हम लोग आज की क्लास को यहाँ ओवर करते हैं, बाकी सब लोग क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो क्लास जैसी खत्म हो जाए तो सब लोग कमेंट जरूर कर देना।
ओके चलो फिर बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोहित यादव जी अभी आप मेरे पास फोन कर दीजिए, क्लास टू में एंड कर रहा हूं, तुरंत मुझे फोन कीजिए, मैं देख लेता हूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।